हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद चोटी करी है गुथ वाली, क्योंकि मैं कभी नहीं करती हूँ। और ये है मेरे पापा, और ये कुछ भी नहीं खाते तो हमें बहुत अजीब सा लगता है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो ना तो ज़्यादा हमसे बात करते हैं ना कुछ, बस वो कमरे में ही बैठे हैं, तो बहुत अजीब लगता है। और हम तीन बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि काश हमारा भी भाई होता, जैसे कि मेरे मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं, क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने अपने घर चली जाती है। लड़का लड़की दोनों ही होने ज़रूरी होते हैं। कोई कहता है कि लड़की लड़का में फ़र्क करते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरी सोच ऐसी है कि दोनों ही ज़रूरी होते हैं, दोनों की ही इम्पोर्टेंस होती है अपनी अपनी लाइफ में। और घर में जब बच्चा होता है तो मन लगा रहता है, इसी कारण से मेरी मम्मी ने, मेरी जो ये बीच वाली सिस्टर है, जो भी आप जो आयरन कर रही है वो देख रहे हो, ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, और एक गुजरात में रहती है, वो अभी आ नहीं पाई, नहीं तो वो भी आ जाती। और मेरी दीदी की बेटी है माही, वो यहीं पर रहती है, इस वजह से थोड़ा बहुत मेरी मम्मी का जो मन है वो लग जाता है, बिज़ी रहती है, क्योंकि मेरे पापा तो कुछ खाते नहीं है, तो माही के चक्कर में मम्मी खा पी लेती है, नहीं तो अकेले रहते हैं तो मन नहीं करता है कुछ भी बनाने का, मजबूरी होती है कि बनाना भी पड़ जाता है, लेकिन बच्चे के साथ में ज़्यादा चीज़ें बनती है, खाई जाती है। ये वाला मकान हमारा बहुत बड़ा था, और कुछ मजबूरी के कारण मेरे पापा को बेचना पड़ा, मेरी शादी से पहले ही ये वाला जो मकान था उन्होंने बेच दिया था किसी मजबूरी से, वो मैं बाद में बताऊँगी कौन सा मकान, इसी का जो आधा आगे का हिस्सा था वो बेच दिया था, नहीं तो ये हमारा 500 गज की पूरा घर था और बहुत अच्छा लगता था। और मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को बताती रहूँगी अपनी फैमिली के बारे में। और बस अभी मेरी बहन ने रोटी बना दी है, साथ में मैंने सब्जी बना दी थी घिया की, और मिलजुल के इसी तरीके से काम हो जाता है। और ये दोनों बहनें लगा के बैठ गई है दुकान, तो भाई मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ये दुकान क्या दुकान लगा के बैठे हो तुम, तो कह रहे हम लोग खेल रहे हैं। तो ये इनकी दुकान है, ये इनके बर्तन वर्तन इन्होंने लगा रखे हैं, किचन बना रखी है ये इन्होंने। और बहनों का यही होता है कि दो मिनट में तो इतना प्यार होता है, दो मिनट में इतना झगड़ा। मेरी मम्मी बताती है कि हम लोग भी ऐसे झगड़ा करते थे, करते क्या थे, आज भी मेरी बहन में और मेरे में बहुत झगड़ा हो जाता है, और फिर हम दोनों ऐसे हो जाते हैं कि बस वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए। ये गैस है, गैस है, ये प्लेट है, ये कप है, ये गिलास है, कप है, गिलास है, ये कप है, ये कढ़ाई है, ये हो कुकर, ये कढ़ाई है, और ये मार्केट जाने का सामान लेने का टोकरी, टोकरी जलिया सामान कहाँ से लेगा, बाजार में से, वो कहाँ से लाएगी, कैसे लाऊंगी, कितना छोटा साइज है, हैं बहुत छोटा है, क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और अभी शाम का टाइम है, और शाम के टाइम हम छत पे आके खेलते हैं, और थोड़ी सी एक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है, हमेशा मोबाइल में या पढ़ाई में रहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर छत पे आके खेल लेते हैं बच्चे, तो सही रहता है। और बस आजकल हम लोग भी इनके साथ खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। और ये लंगड़ी टांग हम बचपन में बहुत खेलते थे, और अब तो बिल्कुल भी खेला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, जब मेरी और मेरी बहन की जब बारी आई थी तो हम नहीं भाग पा रहे थे, तो उसके बाद हमने मना कर दिया कि हमसे नहीं खेला जाएगा, हम बहुत खेल लिए।
लोगों से नहीं खेला गया, अब खेल रहे हैं हम बॉल से। उसमें तो बहुत थक गए अब हम खेल खेल के, तो बॉल से खेल रहे हैं हम। और माही जो है वो आउट हो चुकी है, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन आउट होता है। और माही तो बोल के चली गई कि मुझे इतनी जल्दी आउट कर दिया। और ये भूमि है वो भी आउट हो चुकी है, और अब खेलेंगे हम दोनों बहन। तो देखते हैं हम दोनों बहनों में से कौन जो है वो जीतेगा। और आप सभी को मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने ये भी बोला है कि आप डेली वीडियो बनाया करो। और ये दोनों बहनें भी यहाँ आकर बैठ गई और बोल रही है अब कि मौसी जीतेगी, मम्मी जीतेगी, मौसी जीतेगी, और लास्ट में मैं ही जीती हूँ। और मैं बड़ी खुश हो गई हूँ जीतने के बाद। और ये देख रहे हैं कि बॉल पहले नीचे जाएगी हम लोग, तो ये पहले नीचे आ गए और बॉल कह रहे हार गई है। और इस वाली अलमारी में सारे कपड़े माही के होते हैं, तो ये दोनों बहनें लगा रही है अपने अलमारी पूरी फैला रखी है इन लोगों ने, तो बस वही समेट रही हैं ये। और पहले ये अलमारी मेरी हुआ करती थी शादी से पहले, अब ये माही की अलमारी है, और उससे पहले मेरी बड़ी बहन की थी ये वाली अलमारी। और ऊपर की साइड भी इन्होंने कितने बुरी तरह से कपड़े फैला रखे हैं, तो ये सारे अभी लगा कपड़े एक एक करके, एक खाना दूसरा खाना इस तरीके से लगा रहेंगे। और ये सुबह की वीडियो थी, माँ भूमि कर रही है मेरी चोटी बना रही है गुथ करके, ये गुथ करके इसी ने बनाई है मेरी चोटी। तो ये बोलते हैं मैं बनाती हूँ मौसी, मगर चल बना ले। और इसको भी मैंने यही बोला है कि थोड़ी टाइट करके बनाना। और मेरे फेस पे ना बहुत सारे दाने दाने से निकल गए, छोटे छोटे से अजीब अजीब से, गर्मी के कारण गर्मी में मेरे इस तरीके से दाने निकल ही जाते हैं। और ये अपने आप ही चले जाएंगे, कोई दाग धब्बा ऐसे रहता नहीं है, अपने आप ही ये साफ़ हो जाएगा मेरा चेहरा। और अभी मैंने फेस पे कोई भी क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगा रखी है। और सब बोल रहे थे चोटी में अच्छी लग रही है, कि कुछ चोटी अच्छी लग रही है तेरे ऊपर, तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। और बच्चों ने आगे बहुत अच्छा चैलेंज किया, आप लोग बताना कैसा किया है। राम सभी को, आज हम एक चैलेंज लेकर आए हैं, ये चैलेंज हमारी मौसी ने भी किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था। और आप सभी को हमारे कौन कौन से चैलेंज अच्छे देखने हैं वो कमेंट में बताइएगा। आप हमारे कौन कौन से चैलेंज देखना चाहते हो प्लीज कमेंट में बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। अब बता देते हैं हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं। ब्लाइंड फोन चैलेंज, वन टू फिफ्टी काउंटिंग लिखेंगे आंखों पे पट्टी बांध के। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैलेंज। मैंने ये वाली कॉपी ली है मैथ वाली, मैंने ये वाली कॉपी ली है हिंदी वाली, हमने ये दो चुन्नी ली है। अब हम आंखों पे बांधना शुरू करते हैं। Thank you.
ये देखो कमेंट में बताना कि कैसी लगी। मैंने बिल्कुल भी लाइनों में नहीं लिखी है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। आंखों पे पट्टी बांध कर लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पता नहीं मौसी ने कैसे लाइनों में लिख लिया, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। मैं दिखाती हूँ मैंने कैसी लिखी है। ये देखिए, तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लिख दी, ऐसे नहीं लिखी जैसे कि यहाँ पे 10 तक है, वहाँ पे 11 तक है। तो ये देखिए, तो कमेंट करके बताना कि हम दोनों बहनों का अगला चैलेंज आप लोग क्या देखना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करना, हम लोग जरूर करेंगे वो चैलेंज। और ये वाली जो काउंटिंग है ये माही ने लिखी है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसने चीटिंग करी है, पर मना कर रही थी मौसी जी मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है मैंने, और देख के ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि उसने चीटिंग की हुई है। और दूसरा दिखाती हूँ, ये वाली कॉपी है जो भूमि की है। और ये कोई भगवान का गाना है, उस पर ये दोनों बहनें डांस कर रही थी रात के टाइम में। और ये जो वीडियो है 2-3 दिन की मिक्स वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और ये बच्चे भी कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।